हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीन टेक। तो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं रियलमी XT का कैमरा रिव्यू। तो देख सकते हैं मैंने ऐसे ही रैंडमली फ़ोन को पकड़ लिया, वीडियो करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ट्राइपॉड वाइपर यहाँ भी खड़ा हुआ पड़ा हुआ है, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन लिया और वीडियो करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते कैमरा इंटरफेस में यहाँ पे वीडियोज़ में यहाँ पे 1080p में 60fps में और 720p में भी 60fps में रिकॉर्ड कर सकता है ये फ़ोन, लेकिन 4K में ये सिर्फ 30fps पे ही रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे वीडियो सेटिंग्स में जाते हैं, तो वीडियो के सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये फ्रेम रेट FPS फ्रेम रेट यहाँ पे 60 और 30 है, लेकिन आपका ये बस HD और फुल HD में है, लेकिन आपका 4K में बस 30fps तक ही होता है, वो 60fps में नहीं जाता है। यहाँ पे कैमरा में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, 64 अल्ट्रा 64 पैनोरामा एक्सपा टाइम लैप्स नाइटस्केप स्लो मोशन अल्ट्रा मैक्रो बहुत सारे कुछ मिल जाता है आपको। और फोटो में यहाँ पे जाने से ऊपर में आपको मिलेगा अल्ट्रा वाइड मतलब वाइड एंगल मोड, यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्लिक करने से वाइड एंगल मोड आपका ऑन हो जाएगा। और उसके ही बाजू में है एक बटन जिसको क्लिक करने से आपका वो जो कहते हैं क्रोमो बूस्ट ऑन हो जाएगा, उससे आप लोग कलर एकदम पंची आएगा, बहुत डार्क कलर आएगा उससे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आप कैमरे में जाओगे तो। यहाँ पे आपको वाटरमार्क मिलेगा आपको, उसका अगर ऑन कर दोगे तो आप जो भी फोटो खींचेंगे मतलब पीछे से जो भी कैमरा से आप लोग फोटो खींचेंगे वहाँ पे सिर्फ अल्ट्रा 64 मेगापिक्सल ही लिखा जाएगा। अगर आप 64 मेगापिक्सल को इनेबल ना करके खींचेंगे तो भी आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा ही दिखाएगा। तो आगे मैं बहुत सारे ये दे रहा हूँ मतलब फोटो का सैम्पल, वीडियोज़, नाइटस्केप ऑन करके मैक्रो मतलब सबका आपको एक एक सैम्पल दे देता हूँ आपको, तो आप लोग उसको देखते रहिए। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when I'm ये है 1080p पे 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, देख सकते हैं मैं चल रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कैसा ही है ऐसे। अभी बहुत जोर से हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मेरा आवाज़ आपको सुनना नहीं भी दे सकता है, ये मेरा फ़ोन पे माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी सुन करते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा डिटेल मिल रहा है एकदम अच्छी तरह से। बहुत ही दूर तक हमारा ये फ़ोन जूम कर लिया था और डिटेलिंग भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। यह है इसका 720p पे 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं चल रहा हूँ अभी, इसका EIS आप लोग देख सकते हैं कैसा है। तो मैं अभी चल रहा हूँ और देख सकते हैं स्काई पे फोकस, नीचे स्काई एकदम अच्छी तरह से है और देख सकते हैं नीचे थोड़ा सा कैसे डार्किश हो जा रहा है ऐसे ऊपर करने में, क्योंकि 720p पे तो उतना अच्छा नहीं हो रहा। तो अभी हम इसमें रियलमी XT में 60fps में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप लोग अभी देखिए जब मैं फ़ोन को इधर उधर हिला रहा हूँ तो एकदम पिक्चर्स मतलब वीडियो जो हो रहा है उसका इमेज एकदम स्टेबल है एकदम। तो देख सकते हैं मैं अभी जूम करता हूँ अभी, फिर भी देखिए एकदम अच्छी तरह से वीडियो आ रहा है, बहुत कम नॉइज़ आ रहा है इस फ़ोन में। तो ये फ़ोन रात के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब रात के लिए मतलब बस 16,000 में आप लोगों को क्या चाहिए, क्वाड कैमरा दे रहा है, 64 मेगापिक्सल दे रहा है, और क्या चाहिए आपको भाई। देख सकते हैं 60fps में बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है ये फ़ोन, ये तो भाई बहुत अच्छा बात है। और इसमें थोड़ा EIS का प्रॉब्लम है, मतलब उतनी अच्छी तरह से EIS नहीं है इसमें, इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबिलाइजेशन, तो इसको अपडेट की ज़रूरत है। तो मैं भी फुल जूम करता हूँ, यहाँ पे 10x का फुल जूम है, 10x का फुल जूम है। तो 10x एकदम बहुत दूर जूम करने के बाद भी डिटेलिंग आ रहा है, मतलब
मतलब कुछ तो समझ में आ रहा है वहाँ पे क्या है, बिल्डिंग बिल्डिंग है। तो आप लोगों को अभी 1x दिखाता हूँ, वो बिल्डिंग इतने दूर से बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है इस फ़ोन से। तो मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग इस फ़ोन में फुल एचडी में 60 FPS में वीडियो करें, तो यही अच्छा होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इसको 4K में ही रिकॉर्ड किया हूँ, और मेरा काइन मास्टर जो है 4K को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मेरा आप लोग का यूट्यूब में नहीं दिखा रहा है कि 4K है, क्योंकि मैं इसको फुल एचडी पे ही अपलोड करता हूँ वीडियोज़। तो मतलब आप लोग ये वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि 4K में कितना FPS देता है, बस इतना ही देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, और इसका भी ये फ़ोन के मेन माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप लोग देख लीजिए 4K में मतलब कैसा आता है, एकदम फ्रेम रेट उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि 4K में 30 FPS पे आता है। और देख सकते हैं ये जब मतलब आप लोग ऐसे फ़ोन को इधर उधर हिलाओगे तो आपका फ़ोटो थोड़ा सा मतलब बिखर जाएगा, जो कि 60 FPS में नहीं होता है फुल एचडी रिकॉर्डिंग में। फुल एचडी में और एचडी में 720p और 1080p पे आप लोग 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकेंगे। अगर आप किसी मतलब इस फ़ोन से अनबॉक्सिंग वीडियो कर रहे हैं या फिर कुछ मतलब स्टिल रख के वीडियो कर रहे हैं, तो आप लोग 4K का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो फ़ोन नहीं हिलेगा। लेकिन आप लोग अगर किसी मतलब बाइक में है या गाड़ी में है, तो इसमें जब वीडियो करेंगे आप लोग, तो उसमें 1080p पे 60 FPS में करना, तो फिर मतलब आपका वीडियो बहुत अच्छा आएगा। और मैं ये सब वीडियो रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ वो इस माइक्रोफोन से ही आ रहा है, मेन माइक्रोफोन से, इस Realme XT का। सो गाइज यही था मेरा आज का Realme XT का कैमरा रिव्यू। तो आप लोग अगर Realme XT के रिलेटिव कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।